नमस्कार। आपने एशिया कप का फाइनल तो देख लिया, टीम इंडिया की जीत भी देख ली, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी भी देखी, हार्दिक पांड्या के विकेट भी देखे, लेकिन क्या आपकी नजर एक रिकॉर्ड पर पड़ी? शायद नहीं पड़ी होगी। मैं आपको बताऊंगा वो एक महा रिकॉर्ड जो टीम इंडिया ने बनाया है और आज तक इस कारनामे को कोई भी नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट का महा रिकॉर्ड टीम इंडिया ने एशिया कप में बना दिया है। और मैं आपको वो दो बातें बताऊंगा जो एशिया कप में दो रिकॉर्ड बने हैं टीम इंडिया के, जिन दो रिकॉर्ड के चलते इस एशिया कप को याद किया जाएगा, टीम इंडिया की इस जीत को याद किया जाएगा। और हमेशा ये कहा जाएगा कि भाई साहब जीत हो तो ऐसी जैसी टीम इंडिया ने दर्ज की है। दरअसल हुआ ये कि जब एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया खेल रही थी तो टीम इंडिया ने केवल 6.1 ओवर में, मतलब लगभग 6 मान लीजिए, एक गेंद ज्यादा फेंकी गई, इस इतने ओवर में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। शुभमन गिल और ईशान किशन बल्लेबाजी ओपनिंग के तौर पर कर रहे थे। 50 रन का टारगेट श्रीलंका ने भारत को दिया था और वो टारगेट ईशान किशन और शुभमन गिल ने 6.1 ओवर में पूरा कर लिया था। अब अगर देखा जाए वनडे क्रिकेट में, क्योंकि 50 ओवर होते हैं, 300 गेंदें डाली जाती हैं, तो टीम इंडिया ने जो ये 6.1 ओवर में जीत हासिल की, उसके बाद में 263 गेंदें बच गई। 263, सोचिएगा 263 गेंदें बच गई। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में अगर आप बात करें, वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है गेंद के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत वनडे क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने दर्ज नहीं की है। केवल 6 ओवर में किसी भी टीम ने आज तक मैच नहीं जीता है। एशिया कप के इतिहास में तो यह महा रिकॉर्ड है। एशिया कप के इतिहास में तो इतना जल्दी आज तक कोई जीता ही नहीं है, आईसीसी अगर मैं बात करूं एशिया कप की। और वनडे क्रिकेट के अगर विश्व कप की बात करें तो उसमें भी इतनी बड़ी जीत आज तक किसी ने दर्ज नहीं की है। 263 गेंद, सोचिएगा 263 गेंद बची रह गई और उसके मतलब इतनी गेंद रहते हुए टीम इंडिया ने यह खिताब जीत लिया। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा एक अचीवमेंट था टीम इंडिया का, इतनी गेंदें रहते हुए। उसके बाद में यह तो गेंदों का रिकॉर्ड था, अब मैं बताता हूं रनों का रिकॉर्ड। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने 250 रनों के आसपास जीत दर्ज की थी, वो भी एशिया कप की बात है। टीम इंडिया ने 350 रन बनाए थे और पाकिस्तान को बहुत सस्ते में निपेट दिया था, तो वो भी एशिया कप के इतिहास में। और वनडे क्रिकेट के इतिहास में अगर रनों की बात करें तो टीम इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी और पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया का यह सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड था। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया ने एशिया कप 2023 में अगर दो चीजें सबसे ज्यादा मतलब हासिल की हैं या दो कारनामे ऐसे बनाए हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा, तो एक तो फाइनल में किस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ 263 गेंदें छूट गई। सोचिएगा टीम इंडिया क्या कर सकती थी, 263 गेंदें तो छोड़ दी टीम इंडिया ने। तो यह गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत थी टीम इंडिया की। अगर मैं गेंदों के हिसाब से बात करूं, इससे पहले इंग्लैंड ने जीता था 277 गेंद, पहले ये मुकाबला जीता था, लेकिन वो कनाडा की टीम थी और कनाडा की टीम को आप उतना मजबूत नहीं समझ सकते। श्रीलंका की टीम फिर भी बहुत ज्यादा मजबूत है, कनाडा की टीम को उतना मजबूत नहीं समझ सकते। ये 1989 की बात है, तब कनाडा की टीम आमने सामने थी, तो वो एक अलग मैटर था। लेकिन अब हाल के सिचुएशन में देखते हुए आप एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, आप श्रीलंका को श्रीलंका के घर में हरा रहे हैं और वो भी 263 गेंदों से, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है टीम इंडिया का। और उसके पहले पाकिस्तान को भी टीम इंडिया रनों के मामले में बड़ी हार दे चुकी थी। तो जाहिर तौर पर एशिया कप में टीम इंडिया की ये दो जीत जो है ये हमेशा याद रखी जाएंगी और इन दोनों जीतों का हमेशा जिक्र होता रहेगा। आपके हिसाब से कौन सी जीत बड़ी है, पाकिस्तान के खिलाफ रनों वाली या श्रीलंका के खिलाफ गेंदों वाली, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के फैक्चुअल वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।